जी मेहरुद्दीन साहब, ये शहर के अंदर जो अफवाहें चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की मेहरुद्दीन साहब समर्थन दे सकते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? और सुन लो कान खोल कर कार्तिक राणा, तुम देवबंद के अंदर समझते हो क्या मजलिस के लोग बिक जाएंगे? तुम 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ हमारे सामने रख दोगे और हम बिक जाएंगे? हम कौम के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग सुबह से लेकर रात तक यहाँ मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और कौम को जगा रहे हैं। हिम्मत है तो तुम हमारे सामने चाहे राज्यसभा चाहे मंत्री कोई पद रख दो, ये मजलिस के हीरो और ये मजलिस के लोग। कासिम साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? देखिए, देवबंद के अंदर जो है इस वक्त समाजवादी पार्टी को जो खौफ है वो मजलिस से, और 6 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका जलवा इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, जहां जा रहे हैं ओवैसी के जितने लोग थे, समाजवादी के जितने लोग थे, बसपा के जितने लोग थे, कांग्रेस के जितने लोग थे, उनके अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिस्सेदारी की सोच पैदा कर दी है। आज तक मुसलमान कौम 19.26% मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, सिर्फ 100% में से 71% मुसलमान आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाहिल है, सिर्फ 4% मुसलमान आज उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रेजुएट है। यूपी के अंदर और देवबंद के अंदर खासतौर से कार्तिक राणा को जो सबसे ज्यादा परेशानी है, जो खौफ है, जो डर है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। क्योंकि यूपी के अंदर, देवबंद के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने मावियाली साहब का टिकट काट कर आपको साफ पैगाम दे दिया है कि मुसलमानों के बलबूते पर हम नहीं जीत रहे हैं, हम यहां जीत रहे हैं तो जाटों के बलबूते पर जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं तो ठाकुरों के बलबूते पर जीत रहे हैं। और ये टिकट काट कर, ये पैगाम समाजवादी पार्टी मुसलमान नेताओं को टिकट काट कर दे रही है कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान के दम पर हम सरकार नहीं बनाएंगे। और उनको पता है इस बात का कि मुसलमान चाहे इसके ऊपर कितना जुल्म कर लो, इसके हुकूक को मार लो, इसको काट दो, ये हमारी तरफ, हमारी झोली में आकर वोट देगा। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद, और सुन लो कान खोल कर कार्तिक राणा, तुम देवबंद के अंदर समझते हो क्या मजलिस के लोग बिक जाएंगे? तुम 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ हमारे सामने रख दोगे और हम बिक जाएंगे? हम कौम के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग सुबह से लेकर रात तक यहां मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और कौम को जगा रहे हैं। हिम्मत है तो तुम हमारे सामने चाहे राज्यसभा चाहे मंत्री कोई पद रख दो, ये मजलिस के हीरो और ये मजलिस के लोग। मजदूरी के साथ इंशाल्लाह देवबंद के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा, और देवबंद के अंदर जो सीधी फाइट होगी, 6 तारीख के बाद सारे समीकरण बदल जाएंगे। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के कदम इस मुबारक सरजमीन पर पड़ेंगे, देवबंद के अंदर सीधी फाइट इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मजलिस और बीजेपी की होगी, और बीजेपी को हम शिकस्त देंगे। देखिए, हमारा यही कहना है कि ये जो जितनी अफवाहें हैं, ये सिर्फ अफवाह हैं, बाकी और कुछ नहीं है। हम तो समर्थन के बारे में सोच भी नहीं सकते और न किसी को दे सकते, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास बहुत सारी ऑफर आई और बहुत सारे लोग आए, बातचीत करी, लेकिन हम जब कौम के लिए कदम उठाया है हमने, तो ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है कि इससे पीछे हटा जाए। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये समाजवादी वाले जो हैं, ये बार बार इस बात को जानबूझकर कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है इसका कुछ बेनिफिट मिल रहा उनको, लेकिन हमारे, हम तो यही कहना चाहते हैं देवबंद की आवाम को और अपनी कौम को, जिसके लिए हम खड़े हुए हैं, कि किसी भी सूरत में चाहे हमें राज्यसभा की सीट अगर कोई दे, लेकिन हम अपना हक जो है वो लड़ कर लेंगे, धोखा दे करके नहीं लेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग, आप सभी लोग बेफिक्र हो जाइए, हमने किसी को कोई समर्थन नहीं दिया है, न देंगे इंशाल्लाह, और हम अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं।